बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नेमिंग वर्ड्स। उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स बनी गई हैं, जिसमें उसके नीचे आपको पहचान कर उसका नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट वन है बुक, फिर कैट, फिर कार, फिर बॉय। इस तरह से आपको पिक्चर पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों, नाउन क्या होते हैं? जितनी भी पीपल, प्लेस, एनिमल और चीजें, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो इन्हीं नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी गई हैं, जिनको उसके सामने दिए गए नेम से मैच करना है। जैसे ये गर्ल है फर्स्ट पिक्चर में, तो इसको हमें नंबर 5 गर्ल से मैचिंग करना है। बी नंबर पर यहाँ पर हाउस बना हुआ है, इसको हमें 1 नंबर पर हाउस लिखा है, HOUSE हाउस, उससे मैच करना है। थर्ड नंबर पर जिराफ है, सी नंबर पे, उसको हमें दूसरे कॉलम के 2 नंबर से मैच करना है। इसी तरह से बाकी के पिक्चर्स को मैच करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, जो कि एक पार्क की पिक्चर है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी चीजें आपको पहचान में आ रही हैं इस पिक्चर में, उनको पहचान कर लिखना है। जैसे कि ये डॉग है, बलून है, स्विंग है, ये गर्ल है, बॉल है, फ्लावर्स हैं, बर्ड हैं, बटरफ्लाइज हैं, इस तरह से एक बर्ड है। तो आपको पहचान करके इनके नाम नीचे दिए गए स्पेस में लिखने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड, वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस है जिसमें आपको नेमिंग वर्ड को पहचान कर अंडरलाइन करना है। जैसे द गार्डनर इज वर्किंग इन द गार्डन, तो गार्डनर नाम है, मालिक को बोलते हैं, तो उसको अंडरलाइन किया गया है। गार्डन जो है वो प्लेस का नाम है, तो गार्डन को भी अंडरलाइन करेंगे। डॉक्टर वियर्स ए व्हाइट कोट, तो डॉक्टर एक पर्सन है, पर्सन का नाम है, तो डॉक्टर को अंडरलाइन करेंगे। इधर कोट है, कोट एक थिंग का नाम है, तो कोट को अंडरलाइन करेंगे। माय अंकल ड्रॉव ए कार, तो इस सेंटेंस में अंकल और कार दोनों नेमिंग वर्ड है। तो इसी तरह से हम सेंटेंस में नेमिंग वर्ड को पहचान कर उन्हें अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों, आप किसको क्या बुलाते हैं, आपको उस बॉक्स में कुछ नाम दिए गए हैं, उसको पहचान करके लिखना है। जैसे ए पर्सन हु टीचेस इज कॉल्ड ए टीचर, जो पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, टीचर। तो यहाँ पर आपको टीचर लिखना है। ए पर्सन हु प्लेज क्रिकेट इज कॉल्ड ए क्रिकेटर, पर्सन हु लुक्स आफ्टर सिक इज कॉल्ड ए डॉक्टर। इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद बच्चों, जितने भी प्लेसेस हैं, ऑल प्लेसेस हैव नेम्स, सब जगह के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, जैसे गार्डन, स्कूल, ऑफिस, लाइब्रेरी, मार्केट। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको कुछ प्लेसेस के नाम को लिखना है, पहचान करके सर्किल करना है। जैसे द फर्स्ट वन में द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन और शॉप, तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, गार्डन में, तो यहाँ पर आपको गार्डन को सर्किल करना है। द बॉय गोज टू ऑफिस और स्कूल, तो बच्चे कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर सामने पिक्चर में देखकर आपको उसको सर्किल करना है। इसी तरह देयर आर मेनी एनिमल्स इन द जू, तो जू पर सर्किल करना है। पिक्चर को देखकर सही ऑप्शन को पहचान कर उसको सर्किल करना है। बच्चों, ऑल एनिमल्स हैव नेम्स, कुछ एनिमल्स जैसे कि लॉयन, टाइगर, डॉग, इस तरह से सब एनिमल के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जिसके सामने उस एनिमल का नाम आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट वन है एलिफेंट, दूसरा है जेब्रा, थर्ड है रैबिट, जिराफ, मंकी, लॉयन, इस तरह से आपको इनको पहचान कर लिखना है। बच्चों, ऑल थिंग्स हैव नेम, सब चीजों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, जैसे टेबल, पेंसिल, ब्रश, बेंच। तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी करनी है, यहाँ पर इन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड सर्किल द नेम्स ऑफ थिंग। यहाँ पर नंबर 1 के आगे 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें आपको चीजों के नाम को पहचान कर उसको सर्किल करना है। जैसे स्कूल, पेन, मार्केट और लाइब्रेरी, तो इसमें स्कूल, मार्केट और लाइब्रेरी ये सब प्लेस के नाम है, लेकिन पेन एक थिंग का नाम है, इसलिए आपको इसको सर्किल करना है। इसी तरह से बाकी के ऑप्शंस में आपको थिंग्स को पहचान करके सर्किल करना है। अब बच्चों, नेक्स्ट एक्टिविटी में द वर्ड गिवन बिलो आर नेम ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सब चीज के नाम है, तो दिए गए कॉलम में आपको छांट करके लिखना है। जैसे एलिफेंट एनिमल है, तो उसको एनिमल एंड बर्ड्स वाले कॉलम में लिखना है। टीचर पीपल है, तो पीपल वाले कॉलम में लिखना है। इसी तरह से हर एक वर्ड को उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है।
नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स यू सी इन योर क्लासरूम। आपको क्लासरूम में क्या क्या चीजें दिखती हैं उसको सर्कल नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, बुक्स है, ये पूरा क्लासरूम है, और ये बुक्स है, डस्टर चौक है, ब्लैक बोर्ड है, फैन है, टीचर है, इस तरह से इनको पहचान कर लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों आपको थिंक ऑफ योर होम, अपने घर के बारे में सोचना है, और जो भी आप अपने आसपास नेमिंग वर्ड्स देखते हैं चीजों के उनको लिखना है। जैसे कि ये क्या है, डोर है, टीवी है, फैन, क्लॉक, बेड, कंप्यूटर, मिरर, इस तरह से सब चीजों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। थैंक यू।